नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कर्ज की समस्या ऐसी समस्या होती है जो भी किसी व्यक्ति को होती है, तो ऐसा व्यक्ति 24 घंटे तकलीफ में होता है। और तकलीफ में इसलिए होता है कि वह व्यक्ति हमेशा यही सोचते रहता है कि मैं कैसे इस कर्ज से छुटकारा मिले हमको। जिसको भी कर्ज की समस्या है, वह ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का प्रयास करता है, फिर भी वह कर्ज चुकाने में असफल रहता है। कर्ज व्यक्ति की ऐसी समस्या है जिसको सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। लेकिन आपको बता दें, भगवान हनुमान जी के ऐसे खास मंत्र हैं जिसको पूरे मन से, पूरी भक्ति और परिश्रम से और पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो हनुमान जी की कृपा से बड़ा कर्ज यूं ही समाप्त हो जाता है। तो आपको बिल्कुल कर्ज से परेशान होने की या भयभीत होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। क्योंकि भगवान हनुमान जी हर तरह की समस्याओं का निवारण कर देते हैं, हर तरह के संकट को दूर कर देते हैं। आज के वीडियो में जिस प्रकार से उपाय बताया जा रहा है, आपको उसी तरह से उपाय करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखना, ताकि हनुमान जी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह के खास वीडियो जब भी आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको जरूर पहुँचे। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के स्वशरीर जागृत देवता हैं, और आज भी भगवान हनुमान जी पृथ्वी पर स्वशरीर भ्रमण करते हैं, इसलिए इन्हें चिरंजीवी भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान हनुमान जी से संबंधित जो भी साधना किया जाता है उससे व्यक्ति को तुरंत ही असर दिखाई देने लगता है। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो सबसे पहले किसी भी मंगलवार को आपको व्रत रखना चालू कर देना है, क्योंकि मंगलवार को व्रत रखने से व्यक्ति के जितनी भी मंगल ग्रह के दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और कर्ज की समस्या व्यक्ति के जीवन में तभी आती है जब मंगल ग्रह के दोष ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाकर एक खास दीपक तैयार करना है, और उसमें तिल का तेल डालकर जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखना है। और रोज रात को सोने से पहले किसी एकांत कमरे में इस प्रयोग को करना है। दीपक जलाने के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करनी है, और हनुमान जी को अपने कर्ज के बारे में बताना है। इतना कार्य करने पे 11 दिन लगता है, और इसको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करना है और 11 दिन तक लगातार करना है। इससे व्यक्ति के जीवन में कितनी भी समस्या क्यों न हो, व्यक्ति पहले दिन से ही उसका असर आपको दिखाई देने लगेगा। क्योंकि काफी लोग यह नहीं जानते हैं कि हनुमान चालीसा अपने आप में एक सिद्ध और खास मंत्र है, जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ऐसा करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपने सनातन के इस बहुमूल्य उपाय को आपने हमारे माध्यम से सुना। मैं आपका दिल से आभारी हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।